प्रदेश को ये भाजपा और जो आदित्यनाथ योगी का घमंड है। 4 जिले हैं जहां पर जाति प्रमाण पत्र पासी बिरादरी के नहीं बनाया गया। जी जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मुरादाबाद से साथ इको गार्डन भर देंगे आप लोग? बिल्कुल भर देंगे। देखिए, धनबाद, बिहार, सिवान जैसे दूर दूर क्षेत्रों से फोन आ रहा कि भैया हम निकल पड़े हैं। ये चलाया जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं क्या मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया। अरे गुंडाई आप स्वयं कर रहे हैं। भाई 14 सितंबर की क्या तैयारी है? तैयारी भाई पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में जोरों शोरों से है और काफी आक्रोश है। सबसे ज्यादा आक्रोश तो पासी समाज के अंदर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अत्याचार और कई मामले ऐसे हो गए हैं जिससे पूरे भारत का पासी आक्रोशित है। और एक विशेष जाति के द्वारा कई जगह ऐसे मामले आ गए कि आप देखिए वही लोग हैं, और जब उनका नाम आता है तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और सरकार में बैठे लोग गूंगे और बहरे हो जाते हैं। और पुलिस को देख के ऐसा लगता है कि इनसे ठीक तो गुंडे उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल सही बात, माफिया है इनसे ठीक, क्योंकि रायबरेली में इस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है। आप देख लीजिए भाई, एक विधानसभा के पासियों को रोकने के लिए 4 जिलों की पुलिस, 4 जिलों की पुलिस। आप सोचिए कि वीरा पासी कैसे होंगे। अब ये संविधान का सम्मान करते हैं तभी तुम्हारा सारा अत्याचार सह रहे हैं। और अगर मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इतने ताकतवर हो ना तो एक एग्रीमेंट करा लो भाई, और पुलिस को किनारे कर दो, अभी पता चल जाएगा कौन 30 मार का है। हमारा लोग का रक्त वही है, बस कुछ समय के लिए हमारे लोग भूल बैठे थे क्योंकि मानवतावादी बन गए थे, लेकिन आप पासीवादी बनाना चाहते हो तो हम लोग, हमारा DNA वही है। जैसे हनुमान जी को याद दिला दिया गया था वैसे याद दिलाना है, धीरे धीरे याद दिला रहे दोनों भाई, और याद दिला रहे। जिस दिन जग गए उस दिन बताने की जरूरत नहीं है। आप एक अत्याचार नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ उन लोगों से, मैं आरक्षण से भी कहना चाहता हूँ कि भूल के गलती मत करना संविधान को खत्म करने की। अगर आप भूल के गलती कर बैठे तो हमारी जितनी रियासतें गई हैं हम लोग 6 महीने में ले लेंगे, साल भर नहीं लेंगे, 6 महीने में ले लेंगे, क्योंकि एक एक जिले में 12-12, 14-14 लाख पासी है और लड़ने के अलावा कुछ पता नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। सब लोग कहते हैं पासियों का व्यापार है, पासियों का कोई व्यापार नहीं। पासियों का जो व्यापार था वो खत्म हो चुका, जब से देश आजाद हुआ तब से हमारा व्यापार नहीं है। एक व्यापार था, रेजिमेंट बनाई नहीं हमारी। अगर पासी रेजिमेंट होती तो मैं व्यापार कर सकता था, रोजगार कर सकता था, लेकिन रोजगार हमारा कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं, देखिए जो ताड़ की ताड़ी है, हमारे लोगों में जब युद्ध विराम होता, जब युद्ध होता था, उद्घोष होता था, तो सबसे पहले भगवान शिव को ताड़ की ताड़ी का भोग लगाया जाता था और एक नारा चलता था। लोग कहते हैं अभी नहीं, ये पासियों का खानदानी नारा है, हर हर महादेव। हे देवों के देव महादेव, हमारे दुखों कष्टों को हरते जाना, हम जन कल्याण के लिए युद्ध के लिए निकल चुके हैं। तो हमारे नारे में भी एक रहस्य होता है, हम लोग कुछ नहीं कि जो मन पड़ा बोल दिए। आप जो भी चीज पूछोगे उसका उत्तर मिलेगा आपको, हर चीज का उत्तर मिलेगा। तो इको गार्डन भर देंगे आप लोग? बिल्कुल भर देंगे। देखिए, धनबाद, बिहार, सिवान जैसे दूर दूर क्षेत्रों से फोन आ रहा कि भैया हम निकल पड़े। हमने कहा भैया बहुत दूरी, आप मत आइए, कहीं नहीं, बात अब मान सम्मान स्वाभिमान की है। रायबरेली में जो हो रहा है वो बहुत निंदनीय हो रहा है, और पुलिस कहीं ना कहीं सर्व समाज को शर्मसार कर रही है, व्यक्तिगत एक विशेष जाति को बचाने के लिए। तो देखिए, अब ये बात इकलौता रायबरेली का नहीं बचा, ये बात इकलौता श्रीचंद वाला मामला उन्नाव का नहीं बचा, ये बात लखीमपुर श्री संतलाल पासी का एक मुद्दा नहीं बचा। अब ये मामला राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है, और जो लोग समझ रहे हैं कि एक दो महीने में भूल जाएंगे तो हम लोग भूलने वाले लोग नहीं है। आप देख लीजिए, पासी जो है 12 साल से लेकर 40 साल तक अपनी दुश्मनी याद रखता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज की बात पड़ गई है। और फरुखाबाद में देख लीजिए, 14 सितंबर के मुद्दे क्या क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दे जो है वो भी स्पष्ट हो जाए, स्पष्ट जो है, देखिए जो रायबरेली में न्याय नहीं मिल पा रहा है, मेरे सम्मान पूर्वक मिल जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। और जो श्रीचंद वाले मामले में आत्महत्या कर ली CEO दीपक सिंह के ऊपर, और जो मुस्लिम पति के 3 नाम हटाए गए थे, अगर तत्काल इस पर सुनवाई नहीं होती, दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा आप देख लीजिए, मैं मानता हूँ कि दूसरे पक्ष से 2 लोग खत्म हुए, लेकिन पासी पक्ष की तरफ भी सर फटा है, बांके लगे हुए हैं और कई लोग लापता हैं। तो भाई 307 तो इधर से भी बनता है, क्यों नहीं लगाया गया? ये मामला हो गया। अब आप देख लीजिए, पूरे पासी मोहल्ले को इस तरीके से डरा धमका के रखा गया है रणदवरिया गांव में, तो आप समझ लीजिए क्या उनकी कोई आवाज नहीं बनेगा? बनेगा। ये तीसरा मुद्दा हो गया।
आप देख लीजिए अभी यहाँ पे एक बिटिया का रेप करके मार दिया गया, जिसके लिए हम लोग 4 घंटे PGI थाने में बैठे, सौरभ सिंह के द्वारा रेप करके मार दिया गया, क्या उसमें सौरभ सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए? आप समझ लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। फरुखाबाद में 2 बच्चियों को दिन दहाड़े लटका दिया गया। अब बता रहे योगी जी की राज में माफिया डाउन है, कोई अपराध नहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो केवल आपकी जाति के ऊपर महोदय जी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके जाति के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कह रहे दंगा मुक्त प्रदेश। अरे भाई, जब दंगा ही सब सत्ता में बैठ गए हैं तो दंगा कैसे होगा? दंगा कहाँ होगा, अत्याचार होगा। अब देखिए यहाँ पे दंगाइयों की कोई जरूरत नहीं है। जब दंगाइयों का काम पुलिस कर रही है तो दंगाई क्या करेंगे यहाँ पे? आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए। मैं मुद्दे की बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नजर डालें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी नजर डालें, नहीं तो उत्तर प्रदेश 2027 में इनके हाथ से गया। अगर अकेले इकलौते योगी जी के सहारे पर उत्तर प्रदेश छोड़ दोगे तो इनके समाज के, देखिए योगी जी की गलती नहीं लेकिन इनके समाज की बहुत बड़ी गलती है। अगर ये गलती करेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश इनके हाथ में दे देंगे, तो हम लोग उत्तर प्रदेश से हाथ धुलवा देंगे इनको, इतना आप समझ लीजिए। और एक मुद्दा ये जो है, 3-4 जिले हैं जहां पर जाति प्रमाण पत्र पासी बिरादरी के नहीं बनाए गया था। जी जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मुरादाबाद से साथियों से बात हुई, वो भी 14 सितम्बर को आ रहे हैं। देखिये, मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुरादाबाद, संभल, रामपुर जो सटे हुए 1-2 जनपद और हैं, वहाँ पे हमारे पासी भाइयों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि वहाँ के DM को तत्काल आदेश करे और उनके पासी जाति के सर्टिफिकेट बनाए जाए। वो भी मामला यहाँ पे उठाया जाएगा। जो देखिए, वो हमारे भाई हैं, आप सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे तो क्या पासी नहीं रहेंगे? वो हमारे भाई हैं, हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड रहेंगे। बहुत सारे पंजाब में पासी सामान्य में आते हैं, साउथ में पासी OBC में आते हैं, केवल उत्तर प्रदेश में और बिहार में ही तो पासी SC में आता है। हम तो हर कैटेगरी में पाए जाते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का कोई पासी है तो उसका SC का पासी जाति का सर्टिफिकेट तत्काल बनवाया जाए। वो हमारे अभिन्न अंग हैं, उनका बायोडाटा है और उनका जो सरकारी दस्तावेज भी है कि ये पासी समुदाय के लोग थे, इसलिए उनका तत्काल जो है ये काम चालू किया जाए और वहाँ पे पासी जाति का सर्टिफिकेट इनका बनाया जाए। नहीं तो वहाँ भी धरना होगा, लखनऊ में भी धरना होगा उस मामले में। योगेश भाई, 14 सितंबर को लेकर पासी एकम मोर्चा का घटक दल होने के नाते सुहेल देव आर्मी के द्वारा, आपके द्वारा क्या कोशिशें की जा रही हैं? कोशिश देखिए बहुत ज़्यादा की जा रही है, और मैं आपको बता दूँ, प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद, जैसे सूरज भाई ने बताया कि पूरे भारत का पासी इकट्ठा होने का काम कर रहा है, और पासी नहीं, मार्शल समाज की प्रत्येक जातियां, क्योंकि कई सारे कॉल आ रहे हैं जो दूसरे समाज के लोग हैं वो भी इनसे बहुत ज्यादा परेशान है, सिर्फ एक समाज के लोग सबके ऊपर। और ये देखिए, BJP के IT सेल द्वारा ये चलाया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं, क्या मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया? अरे गुंडाई आप स्वयं कर रहे हैं, आपके समाज के लोग कर रहे हैं, आपकी छत्रछाया में लगातार रोज हर 10-20 मिनट में कहीं ना कहीं कोई आदमी मारा जा रहा है, किसी लड़की का रेप हो रहा है, किसी औरत को पकड़ के खींचा जा रहा है, जो लखीमपुर खीरी में हुआ। आपकी सरकार में वहां पर लोग गए, 20-25 लोग लखीमपुर खीरी में थाना भीरा क्षेत्र के अंतर्गत घुसे, उसके घर में उनकी लड़की को खींचा गया, शर्मसार कर देने वाली घटना की। तो पासी समाज हमेशा अपनी आन बान शान के लिए जाना गया है, हमारे हाथ में कैसे दे देते, तो 2 आदमी मार डालेंगे। लेकिन जो संत राम पासी है आज जेल में है और जिला अस्पताल में उनका भी इलाज चल रहा है, बहुत सारे लोग लापता हैं, उनके लिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमारी टीम ने, पासी एका मोर्चा ने सारे पत्राचार, SP DM जितना भी होता है सबको किया, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, ना ही कोई कॉल आया है, ना ही कुछ हो रहा है। अब देखिए, लगातार वहां पे जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो नौकरी पेशा थे, उनको टारगेट करके वहां पर और बच्चों तक FIR की गई है। अब बच्चे भी मारेंगे मतलब, और घटना हुई है राणा देवरिया के पासी टोला में, और दिखाया जा रहा है कि हमारे टोला में हुई है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो यहाँ पे फॉरेंसिक टीम का गठन करके सबसे पहले वहां पे जांच होनी चाहिए कि घटना कहाँ पर हुई है। और जिस तरह अभी मैंने देख रहा हूँ रायबरेली में अर्जुन पासी का मामला हो रहा है, शासन प्रशासन इतना सहमा हुआ है कि 4 जिले की पुलिस उसको बुलानी पड़ रही है। उसको मालूम है कि समाज आक्रोशित है और ये मार्शल समाज इनके ऊपर इतना ज्यादा आक्रोशित है कि 2027 में अगर ये नहीं सुधरे, और अगर मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जो इनकी ऊपर की टीम है, अगर इन्होंने फैसला जल्द नहीं लिया तो 27 में 35 साल की तरह सूखा इनको फिर झेलना पड़ेगा। लोग बहुत व्यथित हैं, सिर्फ 2-3% वालों से, ठाकुर समाज से आप CM नहीं बने, सबने वोट दिया, भर भर के वोट दिया है,
हमारे समाज के लोगों ने आपको भर भर के वोट दिया, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? वही काम कर रहे हो जो पहले करते थे, और एक बार फिर वही चले जाओगे 14 सितंबर के लिए। दोनों भाई, बाकियों का मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं जिनको देखता हूँ मैं उनकी बात करता हूँ, चाहे वो लाखन आर्मी हो, स्वेलदेव आर्मी हो, पासी एका मोर्चा के दो घटक दल हैं, दोनों लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, गांव गांव पहुंच के छोटी से बड़ी सभा करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हमारे सभी लोग बड़ा मोबाइल नहीं चलाते, इसलिए हम लोग उनके पास जाके बता रहे कि भाई 10 बजे किसी भी स्थिति परिस्थिति में एक दिन समय निकालिए और इको गार्डन समय 10 बजे 14 तारीख दिन शनिवार को वहां पहुंचने का काम करें, क्योंकि ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। इस लड़ाई से आगाज हो जाएगा 2027 की राजनीति के परिणाम आने का रुझान शुरू हो जाएगा, और 2027 के परिणाम इनके खलबली मचा देगी। अभी ये मिल्कीपुर हारने वाले हैं, मैं लिखित दे सकता हूँ, ये मिल्कीपुर हारेंगे, और ये हारेंगे हर जगह से, और उत्तर प्रदेश को ये भाजपा और जो आदित्यनाथ योगी का घमंड है ये ले डूबेगा अगर ये हमारी बात को नहीं मानेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह क्रांतिकारी साथी, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर 307 का मुकदमा जो भारतीय न्याय संहिता में 109 हो गया है, मुकदमा दर्ज किया गया, गाड़ी तोड़ने का 307 हाफ मर्डर होता है, और जो लोग षड्यंत्र में शामिल हैं उनके खिलाफ कोई अभी तक जांच चल रही है। जब भी हम जाए, 2 दिन का समय दीजिए भाई, समय दीजिए, हम जांच करेंगे तब। और अभी देखिए क्या हो रहा है, 2 तारीख को धरना था, 1 तारीख को लड़के के घर में पकड़ के उसको उठा के बंद कर दिया गया। ये जो घिनौनी राजनीति का चेहरा आप दिखा रहे, 27 में आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप किसानों को पैसा दे दीजिए, चाहे हमें मुफ्त 2 बोरी राशन दे दीजिए, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा, और 27 में वोट की चोट देने का काम मासा समाज करेगा, चाहे वो पासी हो, चाहे गरेड़िया हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार हो, चाहे लोधी हो, और इवन चाहे ब्राह्मण हो। मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, सब तुमसे व्यथित हो गए हैं, तुम्हारे इस घमंड भरे और एक तरफा रवैये की वजह से आज ठाकुर समाज दिन भर उसको कुछ काम नहीं है, सिर्फ लोगों को मारना है, पीटना, लाइसेंस लेके रखा है लोगों ने। तो हम लोग के ठीक है, आज हम लोग अनाथ है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब हमारी हुकूमत होगी तो बदला चुन चुन के लिया जाएगा, ठीक है। और संविधान की जंजीरों ने हमें बांध के रखा है, जैसे सूरज ने कहा, संविधान की जंजीरों से बंधे हैं, नहीं 6 महीने में रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारने का काम ये पासी समाज, मार्शल समाज करेगा। मैं पूरे मार्शल समाज के, भारत के कहीं भी लोग, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, इस दमनकारी सरकार के विरोध में आप लोग लखनऊ इको गार्डन में इकट्ठा होने का काम करें, समय 10 बजे दिन शनिवार तारीख 14 सितंबर को सभी लोग अधिक संख्या में आए।